पुराने जमानों से हम स्केप गोट ढूंढते हैं। स्केप गोट का पता है क्या होता है? स्केप गोट के बारे में आपको पता है कि ये कब से इस्तेमाल हो रही है, कितने हजारों सालों से? हजारों सालों से। 8000 साल पहले हिस्ट्री बताती है कि स्केप गोट ढूंढी जाती थी, किधर थे मुद्दा पाना है। बाज़ुकात वो स्लिप ऑफ द टंग से कुछ और मतलब निकलता है। कल किसी ने लिखा हुआ था कि मैरिज इज ए सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, ये लिखना था, तो किसी ने लिखा मैरिज इज ए स्केर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या फर्क हो गया जी दोनों का? मैरिज इज ए स्केर्ड इंस्टीट्यूशन, महरम और मुजरम वाला बन गया ना। तो इसी तरह जो स्केप गोट है ये ढूंढी जाती है कि वालदेन को डिफेंस पे लाने के लिए अनकॉन्शियसली, जानते हुए नहीं, ना जानते हुए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और फिर जब वालदेन ये सोचते हैं कि 26 साल तो तू दस्या नहीं, इन्ने साल तो तू दस्या नहीं, हूँ तेनों ख्याल आ गया, हूँ तू सानू मुजरम बना के ते लाना चाहना है, और तुम्हें अगर तकलीफ है तो तुम्हें तकलीफ का तदारक ढूंढना चाहिए, तुम्हें लेट गो कर देना चाहिए। हम पास्ट में नहीं जा सकते, हम फिर नए सिरे से मामलात को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उस बंदे की तकलीफ जेन्युइन होती है, उसको नहीं पता होता कि मैं ये अनकॉन्शियसली अपने वालदेन को ऊपर मुद्दा डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो मुझे दिन रात कहते हैं कि तुम नशा करते हो, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लापरवाह वालदेन हैं, आपने मेरी हिफाजत नहीं की। तो साइंस हर चीज़ को फिर निट्टी ग्रिट्टी में चली जाती है, वो नाप तोल करना शुरू कर देती है, वो पता करती है कि कितनी चीज़ कहाँ हो रही है, और फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अमेरिका में ऐसे होता है तो बरतानिया में कैसे होता है, और बरतानिया में ऐसे होता है तो इंडिया में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कैसे होता है, और अगर पंजाब में ऐसा होता है तो सूबा में कैसे होता है। तो थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होती है वो चीज़ों की सामने आती चली जाती है। तो जो अगर आप चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि गूगल पे चले जाएं। आप जो चीज़ लिखेंगे तीर बहदफ तरीके से, फौरन एक तीर जैसे कमान से निकलता है और वो ट्रैवल करता हुआ आपके मतलूबा टारगेट तक जा पहुंचता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब्बा गालियाँ दें तो मुझे नशा करना चाहिए कि नहीं, जस्ट राइट इट, तो वो आपको बता देंगे कि आपने क्या करना है। कोई बात भी आपको कंफ्यूज करती है, कोई बात आपको मुश्किलात पैदा करती है, कोई बात अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप लिख दीजिए गूगल पे, और होपफुली सिवाए एक आध मसले के जो टेररिज्म का मसला है, बाकी सारे मसलों का, बाकी सब मसलों की बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढ ली गई।